हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से क्रिप्टो में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना हमने पैसा लगाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इन क्रिप्टो करेंसी कि हम डिसाइड कर सकें कि हाँ ये क्रिप्टो है जो हमने परचेज करना है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके ये बोले कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो उससे बच के रहना, वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं। किसी भी सोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते एंड किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करने। किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो सेंड करे तो ये समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए एंड वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाएगा। आज की डेट में अगर आप किसी से जाके ये बोलोगे कि ये पर्टिकुलर क्रिप्टो है जो आपको करोड़पति लखपति बना देगा, वो दूसरा आदमी आंखें बंद करके वो उस क्रिप्टो को परचेज करने में लग जाता विदाउट इवन थिंकिंग कि उसमें क्या हुआ था, क्या उसमें डेवलपमेंट हो रही है, कौन इसका डेवलपर है, क्या उसमें चीज़ें हैं। वो बस आंख बंद करके उस पर्टिकुलर क्रिप्टो, उस पर्टिकुलर टोकन के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है कि मैंने ये खरीदना है एंड फिर उसके सपने देखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या सारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले चलते हैं मार्केट में, एक बार मार्केट का हाल देख लेते हैं एंड उसी के साथ आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जो आप लोगों ने करने चाहिए बिफोर यू बाय एनी क्रिप्टो एनी टोकन, चाहे फिर वो बिटकॉइन ही क्यों ना। तो साइड में आप देख सकते हो हमने ओपन कर दिया है कॉइनजी को ऐप। करेंटली जो ग्लोबल मार्केट है वो आप है 4.7%, BTC इज आप 7.2%, ETH इज आप 5.8%। मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है, कितना रिकवर करती है आगे जाके पता चलेगा, क्या ये फॉल्स जंप है ये भी आगे जाके पता चलेगा, बट यस करेंटली टच वुड मार्केट जो है आज की डेट में काफ़ी ठीक ठाक कर रही है। अब बात करते हैं जब आप क्रिप्टो परचेज करने जाते हो तो क्या क्या आप गलतियां करते हो, क्या क्या चीज़ें आप करते हो जो आपने अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, कोई भी आदमी चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, वो अगर आपसे ये बोले कि ये पर्टिकुलर क्रिप्टो है, ये पर्टिकुलर टोकन है जो आपको अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा, किसी की बात नहीं सुननी है आपने इन क्रिप्टो करेंसी। बहुत प्लेन एंड सिंपल रीजन होता है, क्योंकि मेरी भी अपनी अजम्पशन है, मेरी भी अपनी स्पेकुलेशन है, शायद वो हो सकता है, शायद वो नहीं हो सकता, क्या चीजें होंगी आगे जाके नोबडी कैन टेल। इसीलिए थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लगा के जो भी आप क्रिप्टो परचेज करना चाह रहे हो उसके बारे में अच्छी से आपने रिसर्च करनी चाहिए। आफ्टर ऑल आपका खुद का पैसा है, आपका हार्ड एंड मनी है जो आप लगाने जा रहे हो इन क्रिप्टो करेंसी इन टोकन्स। हम लोग जानते हैं मार्केट कितनी वॉलेटाइल है, पैसे आपके बन भी सकते हैं तो पैसे आपके गवा भी सकते हैं आप लोग, इसीलिए बहुत ध्यान से आपने सारी चीज़ें करनी है। तो जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये है कि सपनों से बाहर आना। कई लोग आज की डेट में क्रिप्टो में इसीलिए एंटर करते हैं क्योंकि वो बैठ के सोचते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी में दूसरे ने इतने पैसे कमाए थे, मैं कितने पैसे बना लूंगा, वो कैलकुलेशन शुरू हो जाती है एंड वो फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है वो कहीं ना कहीं क्रीप इन करने लगता है कि उसने इतने पैसे बनाए हैं क्रिप्टो में, मैं भी वही क्रिप्टो परचेज कर लेता हूँ एंड आगे जाके देखेंगे कितने पैसे बन जाते हैं एंड वो ड्रीम देखना शुरू कर देते हैं। उस ड्रीम के लिए आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर देते हो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर देते हो इन क्रिप्टो करेंसी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी है, आपने उतना ही पैसा डालना है इन क्रिप्टो इन टोकन जितना आप गंवाने के लिए तैयार हो। आप ये समझ लो जो आप पैसा क्रिप्टो में डाल रहे हो वो आपने कहीं उड़ा दिए, खत्म कर दिए, खाना खा लिया उसका, उतना ही पैसा आप डालो इन क्रिप्टो करेंसी। यस, उसी के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि सारा पैसा आप एक साथ मत डालो, थोड़ा थोड़ा लॉट करके आप परचेजेस करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है जो मैंने भी करी थी इन दी पास्ट एंड कई लोग आज की डेट में भी करते हैं, वो ये है कि कोई भी उन्होंने क्रिप्टो परचेज कर रखा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, कार्डानो ADA फॉर एग्जाम्पल 37.73 रुपीज का करेंटली चल रहा है अगर हम इंडियन रुपीज की बात करें, एंड लोग क्या सोचते हैं कि मैं 5,000 रुपये डाल देता हूँ कार्डानो में एंड फ्यूचर उसका प्राइस प्रिडिक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया, कितना उसका प्राइस प्रिडिक्शन हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा वो एक बार तो ये जहाँ पे कैलकुलेटर ओपन होता है, एंड कैलकुलेटर भी कैसे ओपन होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप खोलते हो कैलकुलेटर, आप बोलते हो 5,000 रुपये हम डालते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 37.73 से, 132 कार्डानो ADA हमारे पास आ जाएंगे। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इसका प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो $100 हो सकता है। अब आपने जो कहीं पे पढ़ा था वहाँ पे आपने ये तो पढ़ लिया कि उसका प्राइस प्रेडिक्शन $100 हो सकता है, बट दूसरी जगह जहाँ पे बताया गया था कि उसका प्राइस प्रेडिक्शन $10 भी हो सकता है, आप वो इग्नोर करके आप सीधा $100 में जाते हो। बिकॉज हम लोगों को एक सपना देखने में मज़ा आता है, एक ड्रीम देखने में मज़ा आता है। सो हम लोग क्या करते हैं, 132 × 7500, क्योंकि किसी ने बोला था कि ये $100 जा सकता है, सो मेरे पास हो जाएंगे 9,93,904 रुपये, 9 लाख रुपये आ गए। एंड इसी के साथ साथ लालच जो है वो बढ़ता रहता है। लालच कैसे बढ़ता है, नेक्स्ट मंथ अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे हुआ
मान आपके पास आपकी जो इनकम आती है उसमें से आपने थोड़ा पैसा लगाया, आप बोलते हैं अरे 5,000 और लगा देता हूँ, 9 लाख क्या, मैं 18 लाख रुपए कमाऊंगा फ्रॉम कार्डानो एटीएम। ये चीजें आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। सोचने समझने में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है कि इतना पैसा हमने डाला, इतना पैसा बाहर निकलेगा, 18 लाख रुपए 5,000 रुपए से 10,000 रुपए से, और क्या चाहिए हमें लाइफ में, क्रिप्टो परचेज कर लेते हैं, सो जाते हैं, 2 साल के बाद उठेंगे, उसके बाद 18 लाख रुपए जेब में, खत्म खेल। ये सारी चीजें आप लोगों ने नहीं करनी। कई लोग ये गलतियां करते हैं, इसीलिए हम ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहे हैं। इसके बाद जो बिगेस्ट मिस्टेक हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि कौन सा क्रिप्टो, कौन सा ऐसा टोकन है जिसका प्राइस सबसे कम चल रहा है, खाली वही क्रिप्टो हम परचेज करेंगे, बाकी नहीं परचेज करेंगे। अब उसका रीजन भी हम लोगों के पास है, मन ही मन में वो रीजन है, बट हाँ कोई सामने से बोलता नहीं है। द रीजन इज वेरी सिंपल। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्रिप्टो है, कोई ऐसा टोकन है जिसके 0.8x0 कुछ है उसका प्राइस, तो उसमें हम क्या करते हैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्रिप्टो है, हम बोलते हैं यार ठीक है रिस्क लेना ही है, क्रिप्टो रिस्क है, क्रिप्टो में कई लोगों ने बोला है कि रिस्क है, तो एक छोटा सा रिस्क लेते हैं। रिस्क क्या लेते हैं, 1,000 रुपये का हम लोग एक क्रिप्टो परचेज करते हैं जिसका प्राइस प्रॉब्ली 6x0.52 एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ आपको, ये चल रहा है। अब हमारे पास कितने क्रिप्टो आएंगे, 192 करोड़ क्रिप्टो हमारे पास ये आ जाएंगे। एंड उसके बाद शुरू होता है सपना। उसके बाद क्या सपना शुरू होता है कि काश ये क्रिप्टो कभी गलती से 1 रुपए का पहुंच गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है हमने 1,000 रुपए डाले। ये चीजें आप लोगों ने अपने साथ नहीं करनी है, ये कई लोग करते हैं। मैं एक आदमी से मिला था कल परसों में, उसके बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, बोलता है जो भी नया क्रिप्टो आता है सर मैं तो वो परचेज कर लेता हूँ 500,000 रुपये का, जितना कम उसका प्राइस रहता है उतना बढ़िया मिले। कभी कोई तो क्रिप्टो ऐसा होगा जो 1 रुपए का पहुंचेगा, कोई भी एक पहुंचा मेरे सारे पैसे रिकवर, अलग मेरी लाइफ सेट अलग। ये गलतियां नहीं करनी है। उस क्रिप्टो में आपने देखना है क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब बियर मार्केट आई थी उसमें कितना प्रेशर था, कितना उसमें सेलिंग हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, मार्केट कैप रैंकिंग में कहाँ पे, मार्केट कैप कितनी है उसकी, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। उसी के साथ साथ आपने उसके डेवलपर का भी पता करना है, सोशल मीडिया भी देखना है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। हाँ सोशल मीडिया में देखते वक्त एक चीज आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कई जगह ऐसा प्राइस प्रेडिक्शन आपको मिलेगा जो अनबिलीवेबल प्राइस प्रेडिक्शन रहता है इन सोशल मीडिया। अब वो क्यों रहता है, उसका रीजन बहुत सिंपल है। मैं एज अ पर्सन, सपोज मैं क्रिएटर नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल बंदा हूं जिसने एक पर्टिकुलर क्रिप्टो परचेज करके रख रखा है, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन परचेज करके रख रखा है। मेरे से कोई पूछे कि BTC का क्या प्राइस प्रेडिक्शन है, मैं अपना वियर्डेस्ट आइडिया लगा के मैं ये बोलूंगा कि यार ये तो $15 लाख जाएगा। वो जाएगा नहीं जाएगा दैट इज अ सेपरेट थिंग। मैंने जैसे ही उसको किसी सोशल मीडिया में लिख दिया, ट्विटर में लिख दिया फॉर एग्जांपल, या फेसबुक में लिख दिया फॉर एग्जांपल, कई लोग तो हैं समझदार जो बोलते हैं अरे यार क्या बात कर रहा है इग्नोर करो उसे, बट कई लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। कई लोग बोलते हैं यार 10 लाख लिखा है इसने, 10 लाख नहीं $5 लाख भी पहुंचाए तो अपना काम बनता है, डाल देते हैं पैसा। ये गलतियां आप लोगों ने, जब आप प्राइस प्रिडिक्शन देख रहे हो किसी भी क्रिप्टो, किसी भी टोकन का, चाहे वो फिर टॉप 100 में हो, चाहे वो बॉटम 1000s में हो, बट जिस भी क्रिप्टो का आप प्राइस प्रिडिक्शन देख रहे हो, आपने 5-10 जगह देख के उसका प्राइस प्रिडिक्शन निकालना है, 5-10 जगह उसका क्या प्राइस प्रिडिक्शन दे रहा है, एंड उसका फिर एक एवरेज प्राइस निकाल के आपने कन्फर्म करना है कि शायद यहाँ तक ये पहुँच सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया में अगर हम ट्विटर की बात करें, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं बहुत सबके, एंड सब लोग अपनी अपनी अजम्पशन लगा के कुछ भी लिख सकते हैं। आज की डेट में ट्विटर में आप जाके लिख दो कि शिबा इनू जो है वो $20 का हो जाएगा, कल से ट्रेंड चल जाएगा शिबा इनू टू $20। ये चीजों से बच के रहना है आप लोगों। एंड उसी के साथ साथ अगर जो भी क्रिप्टो या टोकन आपने परचेज कर रखा है उनका कोई ग्रुप है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, उसका डेवलपर कोई है जिसका नाम है सामने वो ट्विटर में है तो उसको फॉलो कर लीजिए, उससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। यस क्रिप्टो करेंसी मार्केट आज की डेट में उस पॉइंट में चल रही है जहां पे कई ऐसे क्रिप्टो हैं, कई ऐसे टोकन्स हैं जो लोग बोल रहे हैं कि शायद बंद हो जाएंगे, आगे जाके अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप लोगों ने फॉलो करना है कोई अगर डेवलपर है ऑन सोशल मीडिया, चाहे फिर वो ट्विटर में हो, चाहे वो फिर फेसबुक में हो, चाहे किसी और जगह हो, आप उनको फॉलो करके रखो, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसमें कोई अच्छी भी चीज़ हो रही है तब भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप अपने सपने में बैठ के नहीं देख रहे होगे कि कल जाके ये होगा और ये क्रिप्टो इतना ही का हो जाएगा, मैं बैठे बैठे सोते सोते करोड़पति बन गया, वो चीजें फिर आप लोगों के साथ नहीं होगी। एंड यू विल बी वेरी केयरफुल इन पुटिंग योर मनी इन क्रिप्टो करेंसी। इसलिए हम आपसे हमेशा बोलते आ रहे हैं जब भी आप क्रिप्टो परचेज करो उतना ही पैसा डालो जितना कि आपकी लाइफ में फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो पैसा 0 भी हो जाए।
सिंपल फॉर्मूला होता है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जितना आप ज्यादा पैसा डालोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप बार बार जाके उसका प्राइस चेक कर रहे होगे उस पर्टिकुलर क्रिप्टो, उस पर्टिकुलर टोकन का, अंटिल अनलेस आप हमारी तरह क्रिएटर ना हो। अगर क्रिएटर हो तो ऑब्वियसली आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बार बार प्राइस चेक करने की, क्या चीजें चल रही है, मीडिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें चलती है। बट एज एन इन्वेस्टर अगर आप बार बार जाके प्राइस चेक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने पैसा ज्यादा डाल रखा है जितना आपने डालना चाहिए, क्योंकि सपने आज पैसे डाल के कल पूरे नहीं होंगे। क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ग टर्म गेम है, आपने टाइम देना पड़ेगा क्रिप्टोकरेंसी को टू ग्रो अप, जो भी आपने क्रिप्टो या टोकन परचेज कर रखा है आफ्टर डूइंग योर रिसर्च। आज का वीडियो करते हैं गाइस यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।